Dear students, assalamu alaikum. I hope you all are fine. I welcome you once again in Husaini Public High School online class. Today is our second class and our topic is less than, greater than or equal to. Less than किसको हम बोलते हैं? Less than बोलते हैं हम कम. कोई number या कोई चीज दूसरी चीज से कम होती है और इसकी symbol होती है ऐसी. Less than की symbol. ग्रेटर देन बोलते हैं हम जो दूसरी चीज या नंबर से बड़ा हो. ग्रेटर देन की सिंबल है ये. इसके बाद आता है इक्वल टू. इक्वल टू होता है बराबर, यानी अगर दो नंबर होंगे या दो चीज वो बराबर होंगी तो ये है ग्रेटर देन की सिंबल. ये अब हम ये सब समझेंगे कुछ एग्जांपल्स से. अगर हमारे पास एक साइड से दो बॉल्स है, दूसरी साइड से एक ही बॉल है, यह है वन टू, यह है वन, तो ये टू जो है दोनों बॉल्स ये ज्यादा है, बड़ी है, तो टू इज ग्रेटर देन वन. यानी ये जो सिंबल है टू की साइन, यह है ग्रेटर देन की साइन. इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेंगे. हमारे पास कुछ आइसक्रीम्स है, यहां से हमने थ्री आइसक्रीम्स ली, दूसरे साइड से हम फोर आइसक्रीम्स लेंगे. वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर. तो जो ये है थ्री, ये फोर से कम है, लेस देन, तो हम लेस देन की साइन लगाएंगे. थ्री इज लेस देन फोर. इसके बाद अगर आपके पास दो चॉकलेट्स है, आपकी बहन के भी पास दो चॉकलेट्स हैं, तो दोनों के पास बराबर है वन टू, तो किसी के पास कम या ज्यादा नहीं है, दोनों के पास बराबर, तो हम इसमें डालेंगे इक्वल टू की साइन, तो ये हुए इक्वल टू. मुझे ना उम्मीद है कि आपको ये एग्जांपल से समझ आया होगा. इसके बाद हम लेंगे नंबर्स. हम दो नंबर्स लेंगे सेवन और थ्री. सेवन है थ्री से बड़ा, तो हम ग्रेटर देन की साइन लगाएंगे, यानी ग्रेटर देन, सेवन इज ग्रेटर देन थ्री. इसके बाद एक और दो नंबर्स लेंगे फिर से ट्वेल्व और एट. ट्वेल्व जो है ये एट से बड़ा है, तो ट्वेल्व इज ग्रेटर देन एट, तो हमने ग्रेटर देन की साइन लगाई. इसके बाद और दो नंबर्स लेंगे थ्री और ट्वेंटी. थ्री जो है ये ट्वेंटी से छोटा है, तो हम थ्री यहाँ पे लेस देन की साइन लगाएंगे, थ्री इज लेस देन ट्वेंटी. इसके बाद और दो नंबर्स लेंगे फोर्टी थ्री और फिफ्टी. जो फोर्टी थ्री है ये फिफ्टी से छोटा है, तो हम यहाँ पे लेस देन की साइन लगाएंगे, 43 इज लेस देन 50. इसके बाद हम और दो नंबर्स लेंगे 20, 20. तो ये दोनों नंबर्स बराबर है, तो हम इसमें इक्वल टू की साइन लगाएंगे. अब हम और दो नंबर्स लेंगे 36, 36. ये दो नंबर्स भी बराबर है, तो हम इन दोनों में कौन सी सिंबल लगाएंगे? इक्वल टू की. इसके बाद हमारी बुक की एक्सरसाइज है पेज नंबर 80. इस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम इसमें से कुछ पार्ट्स करेंगे. बच्चों आप खोलिए बुक का पेज नंबर 80. इस पे क्वेश्चन दिया गया है राइट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन बिटवीन द गिवन नंबर्स. इसमें से हम कुछ पार्ट्स करेंगे, बाकी पार्ट्स की प्रैक्टिस आप घर पे खुद करेंगे. यहाँ पे दो नंबर्स दिए गए हैं 45 और 43. 45 जो है वो 43 से बड़ा है,
45 is greater than 43, तो हम greater than की साइन लगाएंगे, यानी 45 है greater than 43 से। इसके बाद हम और दो नंबर्स लेते हैं 51 और 51, ये दोनों नंबर्स बराबर है, तो इसमें कौन सी सिंबल साइन लगेगी, इक्वल टू की, 51 इज इक्वल टू 51। इसके बाद और एक पार्ट दिया गया है 20 और 18, 20 जो है वो 18 से बड़ा है, तो हम ग्रेटर देन की साइन लगाएंगे, 20 इज ग्रेटर देन इक्वल 18। इसके बाद हम एक और पार्ट करेंगे 55 और 56, 55 जो है वो 56 से छोटा है, तो हम लिखेंगे 55 इज लेस देन 56, तो हम लेस देन की साइन डालेंगे। इसके बाद है एक और पार्ट 30 और 10, 30 जो है वो 10 से बड़ा है, तो हम ग्रेटर देन की साइन डालेंगे। इसके बाद एक और पार्ट है 57 और 75, 57 जो है वो 75 से छोटा है, तो हम इसमें लेस देन की साइन डालेंगे, 57 इज लेस देन 75। इसके बाद एक और पार्ट है 96 और 69, 96 जो है वो 69 से बड़ा है, तो हम 96 के बाद ग्रेटर देन की साइन डालेंगे, यानी 96 जो है वो 69 से बड़ा है। इसके बाद एक और पार्ट है 20 और 20, 20 जो है वो 20 दोनों बराबर है, इसमें हम इक्वल टू की साइन डालेंगे। इसके बाद एक और पार्ट है 14 और 40, 14 जो है वो 40 से छोटा है, तो हम लेस देन की साइन डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम।